हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो हमने दो टाइप्स प्रीवियस लेक्चर में पढ़ ली हैं, एक एक्सपोनेंशियल और एक साइन और कॉस एक्स, आज हम थर्ड टाइप पढ़ेंगे कि जो क्यू है लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में, जो राइट हैंड साइड पे क्यू है, वो क्यू अगर एक्स की पावर एम हो जाएगा तो क्या करना है। एक्स की पावर एम का मतलब है पॉलिनोमियल हो जाएगा किसी भी डिग्री का, मतलब क्यू कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वन, कुछ भी आ सकता है, क्या होगा x प्लस वन, एक्स फोर, कुछ भी पॉलिनोमियल, कुछ भी आ सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आज का लेक्चर कंप्लीट उसके ऊपर ही बेस्ड रहेगा। और वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा जो आपके एग्जाम्स में ऑलरेडी आए हुए हैं, और जो मैं क्वेश्चंस आपको अभी करवा रहा हूँ एग्जाम में बाद में भी यही क्वेश्चंस आएंगे। तो स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ, अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो इस लेक्चर में ही फर्स्ट टाइम आया तो प्लीज पहले वो प्रीवियस लेक्चर देख ले, तभी उसको समझ आएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर वो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखेगा तो उसको ये क्यू वगैरह कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, डी स्क्वायर वाई माइनस थ्री डी वाई प्लस टू वाई इज इक्वल टू एक्स। और ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये 2012 में आया हुआ है, ठीक है, इसको सॉल्व करो। तो ये जो रूल है, जब क्यू की प्लेस में एक्स होगा, क्यू कहां पे है, राइट हैंड साइड, ठीक है, तो राइट हैंड साइड में भी आपको एक्स दिख रहा है। तो इस रूल को हम कैसे टैकल करेंगे वो एग्जांपल की हेल्प से आपको समझा रहा हूं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, आधा प्रोसेस तो वही सेम है जो हमने प्रीवियस डिस्कस किया है। तो सबसे पहले आप इसको सिम्बॉलिक फॉर्म में लिख लो, इस इक्वेशन को सिम्बॉलिक फॉर्म में लिख लो। इन सिम्बॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा आपके पास, डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स। ये आपकी सिंबॉलिक फॉर्म आ गई। फिर इसकी एक्सिलरी इक्वेशन निकालो, इट्स एक्सिलरी इक्वेशन इज क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। ये स्टूडेंट्स आपकी एक्सिलरी इक्वेशन आ गई। अब ये जो एक्सिलरी इक्वेशन आपकी आई है, इसको सॉल्व करो, डी की वैल्यूज निकालो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, ये एक्सिलरी इक्वेशन है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर माइनस टू डी माइनस डी प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, डी कॉमन डी माइनस टू, माइनस वन कॉमन डी माइनस टू। अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो d माइनस वन और d माइनस टू, इसके दो फैक्टर आ जाएंगे, और आपका जो ये d है ये बेसिकली आएगा वन और टू, ठीक है। ये जो आपका d है ये निकल गया, तो आपका सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका आ जाएगा वाई सी इज इक्वल टू सी वन ई की पावर x प्लस सी टू ई की पावर टू एक्स। ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सीखा हुआ है। अब न्यू बात इस लेक्चर में क्या है, वो है आपका पीआई। तो स्टार्ट करते हैं पीआई को। तो इस केस में जो पीआई आएगा वही सेम फॉर्मूला, वन अपॉन एफ ऑफ डी, और इधर क्यू लिख देना है। क्यू अभी आपका जो लेफ्ट साइड है उसमें एक्स था, इसलिए मैंने एक्स लिख दिया। और क्या आ रहा है, डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू, तो ये आ गया डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू। तो याद रखना स्टूडेंट्स, इस रूल में जब भी आपके पास इधर कोई पॉलिनोमियल आता है तो आपको क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर है इसको वन प्लस सम नंबर की फॉर्म में लिखना है। जो डिनोमिनेटर उसको इस टाइप का अरेंज करना है, वन प्लस एक्स की फॉर्म में लिखना है हमेशा, ठीक है। ये क्यों करना है, क्योंकि इसके बाद मैं बाइनोमियल थ्योरम लगाऊंगा, ये वाली वन प्लस एक्स की पावर एन थी ना बाइनोमियल थ्योरम, ये वाली हमेशा मैं करके बताता हूं। प्रैक्टिकली क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ आपको चीजें समझा दूंगा। तो सबसे पहले आपने इसको वन प्लस में लेना है, तो वन कैसे लेंगे, ये जो कांस्टेंट है हर क्वेश्चन में कांस्टेंट को ध्यान से देखना है, और कांस्टेंट को कॉमन ले लो। अगर कांस्टेंट ऑलरेडी वन है, पहले का ही वन है, तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। मगर अभी कांस्टेंट टू है, तो अब आप क्या करो स्टूडेंट्स, इस पूरी इक्वेशन से टू को कॉमन ले लो। जैसे मैंने टू को कॉमन लिया तो टू बाहर आ गया, रिमेनिंग इस टू की प्लेस में क्या आ गया, वन, और बाकी की प्लेस में आ गया डी स्क्वायर माइनस थ्री डी अपॉन टू, ऐसे आ गया। अब देख लो, टू चल जाएगा तो टू बन जाएगा, आगे जाएगा तो टू और टू कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करना है, इस वन बाय टू को बाहर ही रखना है,
ये जो नीचे वाली टर्म है इसको ऊपर ले गए, तो बनेगा 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस 3d अपॉन 2 होल पावर आ गई माइनस 1। अब इधर एक रूल लगेगा जिसको बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं, फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस एन लगा लो, एक्स लगा लो, आप कुछ भी लगा सकते हो, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन। ठीक है, तो जब माइनस एन आएगा तो इस टाइप का फॉर्मूला ही ऐसे बनेगा, 1 एन नीचे आ जाता था 1 माइनस एन एक्स, फिर अगली टर्म आ जाती थी प्लस एन की प्लेस में क्या आता था माइनस एन, फिर माइनस एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल और इधर एक्स का स्क्वायर। ये बाइनोमियल थ्योरम थी, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब आप खुद सोचो, ये माइनस और ये दोनों माइनस प्लस बना देगा, इतना प्रोसेस आपको करना ही नहीं है, हमारा एन क्या है इस केस में 1। तो मैं आपको वो चीज बता रहा हूं, अगर आप इधर 1 डालोगे तो क्या बन जाएगा, ऐसा एन की प्लेस में 1 डालोगे तो 1 माइनस एक्स, एन के प्लेस में 1 डालोगे तो ये क्या बन जाएगा माइनस 1, एन के प्लेस में 1 डालोगे तो माइनस 1 माइनस 1 कितना बन जाएगा माइनस 2, माइनस 2 और माइनस 2 2 और नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस एक्स के, वैसे नेक्स्ट आएगी माइनस एक्स क्यूब, ऐसे चलता ही रहेगा। तो ये प्रोसेस को ना करते हुए हम जल्दी सॉल्व कर ले, तो आप ऐसे फॉर्मूला याद कर लो, जैसे 1 प्लस एक्स है और ऊपर पावर क्या आ रही है माइनस 1 आ रही है, तो ये फॉर्मूला हम बड़ी बार यूज करेंगे। ठीक है, 1 माइनस एन एक्स ऐसे, अब एन इस केस में 1 है तो आपने क्या करना, जब बाइनोमियल एक्सपेंशन को ओपन किया तो एक माइनस एक प्लस, एक माइनस एक प्लस, ऐसे चला। अगर बाई चांस सेम यही क्वेश्चन ऐसा आ जाता है 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1, अब सब प्लस हो जाएंगे। देखो अगर इधर पहले का माइनस है तो ये माइनस हो, ये माइनस भी क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस, ये क्या आ जाएगा पहला प्लस आ जाएगा, फिर दूसरा भी प्लस आ जाएगा, फिर तीसरा भी प्लस आ जाएगा, फिर सो ऑन सब प्लस आ जाएंगे। आप करके देख सकते हो, देखो जब इधर क्या आया माइनस आया तो इधर एक्स की प्लेस में भी क्या डालूंगा माइनस, तो माइनस का स्केल भी क्या हो जाएगा प्लस। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, कि प्रोसेस तो ये है बाइनोमियल वाला, तो इसको रहन दो आप करना, हमारे सिलेबस में जो हमारे बुक्स के प्रोपोर्शन है वो यही है, तो आप यही फॉर्मूला याद कर लो, अगर दोनों माइनस है तो सब प्लस आ जाएंगे। ठीक है, अगर एक प्लस है और ऊपर माइनस है तब एक माइनस और एक प्लस आ जाएगा। ठीक है, और अगर 1 माइनस एक्स की पावर 1 है तो इसको करने की जरूरत नहीं है, तो 1 माइनस एक्स ही रहेगा। ठीक है, इसमें तो बाइनोमियल लगेगी, तो बाइनोमियल लगेगी तभी जब ऊपर माइनस 1 होगा, क्योंकि जब ऊपर 1 होगा वो तो हमें करना आता है, वो तो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका बाइनोमियल का कंसेप्ट है जो हम यूज करेंगे, आप इसको नोट कर लो। ठीक है, आप इसको नोट कर लो, ये हमें बार बार यूज करना पड़ेगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इधर हमने क्या लगा दिया, ये वाला रूल 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1, तो कितना आ रहा है ये 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस सो ऑन, ये इधर अप्लाई कर दिया। अब एक चीज देखना, ये जो x है लास्ट में ये ऐसी टर्म्स बन जानी है अंदर वाली। ठीक है, अब ये जो x है d क्या है डिफरेंशिएशन, अब ये ध्यान रखना ये जो x नंबर है इसकी डिफरेंशिएशन एक ही बार होती है, दो बार करोगे तो वो अपने आप जीरो बन जाएगा। x की डिफरेंशिएशन आप कितने टाइम कर सकते हो, एक ही बार, एक बार करोगे 1 आएगा, दूसरी बार करोगे 0, तीसरी बार करोगे 0, फिर ऑलरेडी आगे 0 ही रहेगा। तो ध्यान से करना क्वेश्चन को, तो कैसे करना है आप पहले सीखिए आराम से, फिर सॉल्व कीजिए। पहले फॉर्मूला लगाऊंगा 1, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये आ जाएगा माइनस, इधर बन जाएगा डी स्केयर माइनस 3d अपॉन 2। ऐसा क्यों, क्योंकि जो x है अभी मेरा वो मेरा ये पूरी टर्म है, तो मैं लिखूंगा 1 माइनस एक्स, फिर मैं क्या लिखूंगा प्लस एक्स स्केयर डी स्केयर माइनस 3d बाई 2 का होल स्केयर, फिर माइनस सो वन चलता रहेगा और बार गुण बैठे x बैठे है। सॉरी, ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया बाइनोमियल थ्योरम। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं वो सुनो ध्यान से, ये जो d है ये तो डिफरेंशिएशन है और ये दो बार पे इस x को क्या बना देगी जीरो। अब ये जो x है सबके पास जाएगा ना, आप इस एक्सपेंशन को अगर ध्यान से देखो, देखो मैं फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा डिटेल में समझा रहा हूं, तो आई होप कि आप समझोगे। अगर आप इस एक्सपेंशन को ध्यान से देखो तो नीचे बन रहा है 4, ऊपर क्या बन रहा है इसका स्केयर 4, इसका स्केयर 9d स्केयर और ट्वाइस ab,
तो माइनस सिक्स डी क्यूब। तो आप देख पा रहे हो जो डी है वो सबके सब टू है या टू से बड़े हैं, तो जब एक्स इस वही टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही बनेगा। इसलिए हम क्वेश्चन को लेंथी नहीं करेंगे, हम पहले ही देख लेंगे कि एक्स की कितनी बार डिफ्रेंसिएशन हो सकती है। एक्स की डिफ्रेंसिएशन एक बार हो सकती है, तो इसमें तो दो दो वाले हैं, ये हमें लिखना ही नहीं है, ये हम छोड़ सकते हैं। तो वन बाय टू, इधर वन लिखा वैसे ही, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, डी स्क्वायर बाय टू माइनस थ्री बाय टू डी, बिल्कुल लिख सकता हूं, सेपरेट कर दिया और बाहर से आ गया एक्स। ठीक है, अब जो बाहर वाला एक्स है वो सबके पास जाएगा ना, इसके पास तो लिख दिया, और उनके पास क्यों नहीं लिखा, इनके पास क्यों नहीं लिखा, उनके सबके पास जो जब एक्स जाएगा वो सबको क्या बनाएगा, जो डी है वो एक्स को हमेशा क्या बनाएंगे, जीरो बनाएंगे। तो जो एक्स है जब इसके पास जाएगा, इसके डेरिवेटिव वन से ज्यादा है तो उनको जीरो बनाएगा, इसके पास मैंने रख दिया, और एक्स वन के पास भी जाएगा तो वन की प्लेस में क्या बनेगा, एक्स बन जाएगा, ऐसे आ गया। अब ध्यान से देखो, ये आ गया वन बाय टू, ये एक्स। अब ये जो एक्स आपको दिख रहा है, ये जो एक्स आपको दिख रहा है, ये एक्स इसके पास जाएगा तो डी स्क्वायर फिर इसको जीरो बना देगा, तो ये जीरो आ गया। अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो प्लस थ्री बाय टू, मगर जब डी के पास क्या लगेगा, एक्स लगेगा, तो अब ये इसको जीरो नहीं बनाएगा क्योंकि डी एक्स की एक बार डिफ्रेंसिएशन करेगा, और स्टूडेंट्स आपको पता है एक्स की एक बार डिफ्रेंसिएशन वन होती है, तो ये एक्स आ जाएगा प्लस थ्री बाय टू इंटू वन आ गया। और जब आप इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स बाय टू प्लस थ्री बाय फोर, तो ये आपका पी आई आ गया, क्या आ गया आपका पी आई। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि क्या बुक में भी यही आया है, तो ये आपका पी आई आ गया। लास्ट में जब आप कंप्लीट सोल्यूशन निकालोगे, वो तो निकालना ही है, तो वो क्या आएगा, जो आपका सी एफ आया वाई सी और जो आपका पी आई आया, उन दोनों को प्लस कर देना। सी एफ आपका आया सी वन ई की पावर एक्स प्लस सी टू ई की पावर टू एक्स, ये आया, और वाई पी आपका आया एक्स बाय टू प्लस थ्री बाय फोर। अब एक बार चेक कर लीजिए, बिल्कुल एक्स बाय टू प्लस थ्री बाय फोर ही बुक में भी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है, पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट है। कोशिश ये कीजिए कि आपको कंसेप्ट एक्चुअल में समझा दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अभी अभी आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2015 में आया हुआ है, 2015 में आया हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं, डी स्क्वायर प्लस डी माइनस सिक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स, ये क्वेश्चन। तो इसको भी करिए, सबसे पहले आप इसकी एक्सिलरी इक्वेशन निकाल लोगे, तो इसकी एक्सिलरी इक्वेशन क्या है, डी स्क्वायर प्लस डी माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर प्लस थ्री डी माइनस टू डी माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। थ्री डी माइनस टू डी होता है, उसमें डी कॉमन ले लिया तो कितना आया, डी प्लस थ्री माइनस टू कॉमन ले लिया तो कितना आया, डी प्लस थ्री। आपके पास क्या बन गया, डी माइनस टू, और देन आपके पास क्या बन गया, डी प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। और स्टूडेंट जो आपकी डी की वैल्यू है वो इस केस में एक आएगी टू और एक आएगी थ्री, और जो ये आपका सी एफ है वो इस केस में क्या बनेगा, सी वन ई की पावर टू एक्स और सी टू ई की पावर थ्री एक्स। आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसमें पी आई की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पी आई। तो पी आई आपको पता ही है, पहले आप फंक्शन लिख लो, फंक्शन क्या है, डी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स और इधर एक्स है। अभी मैंने आपको बताया कि इधर वन प्लस करो, तो मैंने सिक्स कॉमन ले लिया, मगर मेरे को इसको वन बनाना है तभी क्वेश्चन आसान होगा। तो सिक्स कॉमन लूंगा तो माइनस वन बनेगा, मेरे को मैं माइनस सिक्स ही कॉमन ले लेता हूं, तो मैंने क्या किया, माइनस सिक्स कॉमन ले लिया। जैसे ही मैंने माइनस सिक्स कॉमन लिया तो स्टूडेंट्स नीचे कुछ इस टाइप का बन जाएगा, माइनस सिक्स कॉमन लिया तो ये वन हो गया, ये पूरा पॉजिटिव था तो ये ऐसा हो गया माइनस डी स्क्वायर प्लस डी अपॉन सिक्स ऐसा, और ये पूरा गया एक्स। आप चेक कर सकते हो, माइनस सिक्स गया वन के पास तो माइनस सिक्स गया सिक्स के पास, सिक्स सिक्स हो गया कैंसिल, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ऐसे आपको कॉमन लेना, ये आपको आना चाहिए कॉमन लेना। ठीक है, तो ये माइनस वन अपॉन माइनस सिक्स को माइनस वन अपॉन सिक्स लिख सकता हूं इसलिए। उसके बाद जो टर्म है वो ऊपर चलेगी तो वो बन गई वन माइनस डी स्क्वायर
प्लस डी अपॉन सिक्स की होल पावर माइनस वन इंटू एक्स। अब ये भी माइनस है वो भी माइनस है, तो स्टूडेंट जब दोनों माइनस हो तो मैंने आपको बताया बाइनोमियल में सब प्लस के कर देने, वन प्लस एक्स, एक्स कितना है डी स्क्वायर प्लस डी अपॉन सिक्स, और आगे भी प्लस का कर देना डी स्क्वायर प्लस डी अपॉन सिक्स का होल स्क्वायर। मगर अभी मैं आपको बता रहा था ये जो बार एक्स है इसके आप एक ही बार डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, तो स्टूडेंट्स ये दो दो बार वाले लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो ये आप इधर तक भी छोड़ सकते हो, बार एक्स आ गया। अब देखो ध्यान से ये आ गया माइनस वन बाय सिक्स। अब जो बार वाला एक्स है वो इस वन के साथ मिला तो एक्स बन गया, बार वाला एक्स डी स्क्वायर अपॉन सिक्स के साथ मिलेगा, और जो बार वाला एक्स है वो डी अपॉन सिक्स के साथ मिलेगा। मगर जब आगे वालों के साथ मिलेगा इन सब के साथ, इन सब के और आगे वाले सबके साथ क्या बनाएगा जीरो प्लस वन प्लस जीरो। अब देखो ध्यान से ये आ गया माइनस वन बाय सिक्स, एक्स को एज इट इज, दो बार एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या आएगी जीरो, और वन बाय सिक्स तो वैसी एक बार एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या आएगी वन। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ रहा है आंसर, आपके पास आंसर आ रहा है माइनस एक्स बाय सिक्स और माइनस वन बाय थर्टी सिक्स, वन बाय सिक्स मल्टीप्लाई करती है, तो ये आपके पास पी ए आ रहा है। एक बार चेक कर लेंगे, बिल्कुल माइनस एक्स बाय सिक्स और माइनस वन बाय थर्टी सिक्स ही आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। अगर आप बुक के मेथड देखोगे तो उन्होंने थोड़ा सा अलग किया है, ठीक है। अभी आपको स्टार्टिंग में शायद समझ आ जाए, मगर जब लेंथी क्वेश्चन आएगा तो आप फंस जाओगे, कैलकुलेशन आपसे नहीं होगी। अगर आप इस मेथड से करोगे तो मैंने कोशिश की है कैलकुलेशन इजी बनाने की, ठीक है। तो लास्ट में इनको प्लस कर देना, तो ये आपके पास दो क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस वन, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस वन इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। एक्सलर इक्वेशन लेंगे तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, फैक्टर इसके बनाना मुश्किल है, इसलिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस बी अंडर रूट प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन वाई से। तो डी किसके इक्वल है, माइनस बी माइनस वन प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना है वन स्क्वायर माइनस फोर ए इंटू सी, वन इंटू वन अपॉन ट्वाइस ए, तो टू इंटू ए वन होते, तो ये डी कितना आ गया माइनस वन प्लस माइनस वन माइनस फोर कितना होगा माइनस थ्री अपॉन टू। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो डी कितना आ जाएगा माइनस वन प्लस माइनस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू प्लस माइनस रूट थ्री बाय टू आयोटा। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया ना, ये क्या बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपको पता है जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है स्टूडेंट्स, तो सी एफ हम क्या लेते थे, सी एफ हम लेते थे ई की पावर अल्फा एक्स, अल्फा कितना है माइनस वन बाय टू एक्स इंटू सी वन कॉस बीटा एक्स, तो बीटा की जगह है रूट थ्री बाय टू एक्स, प्लस सी टू साइन बीटा एक्स, और बीटा की जगह क्या है रूट थ्री बाय टू एक्स। तो ये आपके पास सी एफ। अब आपको क्या निकालना है, पी आई निकालना है इस क्वेश्चन का, तो पी आई कितना है वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी प्लस वन, और उस साइड आपके पास क्या था एक्स क्यूब था, क्या था मेरे पास एक्स क्यूब था। एक बार सी एफ मिला लेंगे, सी एफ बिल्कुल यही है, ठीक है। तो एक्स क्यूब था, मैंने आपको क्या बताया, आपको वन प्लस में लिखना है, ये तो ऑलरेडी वन है, तो इसको करने के लिए कोई भी कॉमन लेने की जरूरत नहीं, बस अरेंज कर लो वन प्लस डी स्क्वायर प्लस डी, तो ये तो वन प्लस की फॉर्म में ऑलरेडी है। अब इस वन प्लस को न्यूमिरेटर में भेज देंगे तो कितना आ जाएगा, वन प्लस डी स्क्वायर प्लस डी होल पावर माइनस वन, और इधर एक्स क्यूब, फिर ये प्लस है और ये माइनस है, तो हम फॉर्मूला क्या है, अब एक प्लस और एक माइनस हो तो माइनस आएगा, ठीक है माइनस आएगा, ये एक्स को एज इट इज लिखना है, फिर प्लस आएगा, अब एक्स का स्क्वायर करना है, ठीक है, फिर माइनस आएगा, अब एक्स का क्यूब करना है, और ऐसे ही सो वन आपने चलते जाना है, और बाहर कौन है एक्स क्यूब। अब स्टूडेंट्स ये तो आप सब स्टेप कर लोगे,
अब जो मैंने आपको बताया वो क्या, आप ध्यान से देखो, इसकी तीन बार डिफरेंशिएशन कर सकते हो, फोर्थ बार ये जीरो बनेगा। ठीक है, अब देखो कैसे कैसे करेंगे। ये एक्स क्यूब पहले वन के पास जाएगा तो एक्स क्यूब बन गया, एक्स क्यूब जाएगा डी स्क्वायर के पास तो माइनस डी स्क्वायर एक्स क्यूब, ठीक है, और प्लस डी एक्स क्यूब, इधर भी माइनस आएगा। या और आसान बनाता, रुक जाओ, ये डी स्क्वायर प्लस डी और एक्स क्यूब इधर भी आ गया। अब इधर डी स्क्वायर प्लस डी का होल स्क्वायर क्या बनता है, ए का स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करोगे तो फोर आ जाएगा, तो चार बार तो डिफरेंशिएशन होगी नहीं, जीरो बन जाएगा। प्लस बी का स्क्वायर तो ये डी स्क्वायर, प्लस ट्वाइस ए बी तो ट्वाइस डी क्यूब, ऐसे एक्स क्यूब इसके साथ भी गया। अब ये माइनस ए प्लस बी का होल क्यूब तो ए क्यूब, जब डी स्क्वायर क्यूब करोगे सिक्स, प्लस बी क्यूब, बी क्यूब क्या आया डी क्यूब, प्लस थ्राइस ए स्क्वायर बी तो ये ए स्क्वायर आ गया बी, प्लस थ्राइस ए बी स्क्वायर तो ये ऐसा आ गया, और बाहर से कौन आया एक्स क्यूब। अब इसके बाद जब भी पावर फोर आएगी तो वो फोर की पावर बड़ी ही होंगी और वो सबको जीरो बनाएंगे, इसलिए वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, अब आपको जो एक्स क्यूब है वो साइड पर मार्जिन रहा गया होगा, पहली डिफरेंशिएशन लिख के रखनी है, दूसरी डिफरेंशिएशन लिख के रखनी है, तीसरी भी लिख के रखनी है। पहली डिफरेंशिएशन आएगी थ्री एक्स की, दूसरा डेरिवेटिव आएगा सिक्स एक्स और तीसरा आएगा सिक्स। अब बस वैल्यू डाल देगा सीधे सीधे, क्वेश्चन खत्म हो गया। माइनस एक्स क्यूब दूसरी डिफरेंशिएशन, तो ये क्या है डी, ये क्या है डी स्क्वायर और ये क्या है डी क्यूब। ठीक है, कलर चेंज कर देता हूं, डी स्क्वायर और ये क्या है डी क्यूब, और अभी आपके पास क्या है डी स्क्वायर है, जैसे डी स्क्वायर है तो सीधे लिख देना सिक्स एक्स, जैसे डी है तो सीधे लिख देना माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। माइनस कहां से आया, ये बाहर से आया। अब डी फोर जीरो, डी स्क्वायर है तो बताओ डी स्क्वायर का क्या लिखना है सिक्स एक्स, टू वैसी डी क्यूब है तो डी क्यूब क्या लिखना है सिक्स लिखना है। डी सिक्स खत्म हो जाएगा, ये वाली पावर फोर से ज्यादा खत्म हो जाएगी, ये पावर फोर से ज्यादा खत्म, बस डी क्यूब रहा, मगर बार क्या है माइनस का साइन है और डी क्यूब क्या आएगा माइनस सिक्स। तो ऐसे आपको दो मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। अब अगर आप सिंप्लीफाई करो तो कितना आ गया एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, सिक्स एक्स और सिक्स एक्स कट गया, बारह में से छह गया तो वो छह आता, तो ये आपका पी आई आ रहा है। तो एक बार पी आई मैं चेक भी कर लूंगा, वाई पी कितना आ रहा है आपका एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स। अब लास्ट में क्या करना है आपको, इस वाई पी और सी एफ को कंबाइन कर देना, प्लस करके लिख देना, तो इसका आ रहा है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स। बिल्कुल यही क्वेश्चन है, ऐसे ही किया हुआ है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है इस रूल का, ये मैं आपको बड़े आराम से समझा रहा हूं, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और क्वेश्चंस करेंगे, जैसे आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है डी क्यू प्लस टू डी स्क्वायर, डी क्यू प्लस टू डी स्क्वायर प्लस डी इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये आपका 2014 में आया। ठीक है, ये आपका कब आया हुआ है 2014 में आया हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसकी एक्सिलरी इक्वेशन निकालो, डी क्यू प्लस टू डी स्क्वायर प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, सबसे डी कॉमन ले लिया तो कितना आया डी स्क्वायर प्लस टू डी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। मैं स्टूडेंट्स और सिंप्लीफाई करूंगा तो डी इसको लिख सकता हूं डी प्लस वन का होल स्क्वायर, और जब मैं और फैक्टर निकालूंगा तो इसको डी प्लस वन और इसको डी प्लस वन, तो डी आपके पास कितना आ रहा है जीरो, फिर कितना आ रहा है माइनस वन, फिर कितना आ रहा है माइनस वन, तो डी की वैल्यू आपके पास यही आ रही है। तो इस वजह से जो आपका सी एफ आएगा वो आपका क्या आएगा सी वन ई की पावर जीरो एक्स, सी टू ई की पावर माइनस वन एक्स, सी थ्री ई की पावर एक्स, ये आपका सी एफ आएगा। अब बात करते हैं पी आई की, तो डी क्यू प्लस टू डी स्क्वायर प्लस डी,
तो पी ए निकालने के लिए क्या करना है, डी क्यू प्लस टू डी स्क्वेयर प्लस डी किस पे लगेगा, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स पे लगेगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपको मैंने बताया वन लिखना होता है, तो वन इधर से निकलेगा, अब क्या कॉमन निकालू, वन बनेगा, डी कॉमन निकालू, तो इसलिए मैंने डी कॉमन ले लिया। जैसे मैंने डी कॉमन लिया तो रिमेनिंग बच गया वन प्लस डी स्क्वेयर प्लस टू डी, ये कॉमन बच गया। आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा, ठीक है। और इधर पूरा ले लेना एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स। अब कुछ क्या करते हैं, इनको सेपरेट सेपरेट कर देते हैं, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन को सिंपल बनाना है, मुश्किल ही बनाना है। तो 1 बाय डी बाहर आया और ये आ गया ऊपर 1 प्लस डी स्क्वेयर प्लस टू डी की होल पावर माइनस वन, और इधर कितना है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स। अब फिर वही बात आ गई, प्लस और माइनस, तो एक माइनस का आएगा और एक प्लस का आएगा, तो पहला आएगा माइनस का तो डी स्क्वेयर प्लस टू डी, दूसरा आएगा प्लस का डी स्क्वेयर प्लस टू डी का होल स्क्वेयर। अब इस पूरे की कितनी बार डिफरेंशिएशन हो सकती है, दो बार, क्योंकि डिग्री टू है, ठीक है। जब आप क्यूब करोगे तो पहला भी क्यूब, लास्ट भी क्यूब, मल्टीप्लाई भी क्यूब, इसलिए अब बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी सब हमेशा क्या आएंगे, जीरो आएंगे, ठीक है। आप सब आई होप आप ये चीज समझ रहे होंगे, क्योंकि जब मैं अगली टर्म लिखूंगा डी स्केयर प्लस टू डी का होल क्यूब, तो जब इसका क्यूब आएगा सिक्स बनेगा, ये चाहिए नहीं, इसका क्यूब है, क्यूब पे जीरो आ रही है, जब मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तब भी नहीं चाहिए, तो इसलिए ये चीजें लिखनी नहीं है, ये क्वेश्चन को लेंथी बनाएंगे। अब क्या कर लो, अब मैंने तुम्हें एक तरीका बताया, उससे पहले एक स्टेप और कर लेते हैं, वन माइनस डी स्क्वेयर माइनस टू डी, अब ये बनेगा ए स्क्वेयर, तो ये फोर बन रहा है, मैं लिख रहा ही नहीं हूं, ठीक है, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, ये लिख दो डी फोर, आप में से कोई सोचोगे सर ने पता नहीं क्यों नहीं लिखा, लिख लो ए का स्क्वेयर डी फोर, और इधर कितना आ रहा है फोर डी स्क्वेयर, और ट्वाइस ए बी, तो ट्वाइस डी स्क्वेयर इंटू टू डी, और बार कौन है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स। अब आपके पेपर में एक मार्जिन बना होगा, उस पर लिख देना साइड पे एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, एक बार डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो आएगा टू एक्स प्लस वन, दो बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो आएगा टू, और तीन बार में ये क्या बन रहा है जीरो, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो हम कैसे कर रहे हैं, ये वन बाई डी को तो बाहर रखा, वन के साथ पूरी टर्म बार वाली मल्टीप्लाई हुई तो क्या बना एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स। अब भाई डी स्क्वेयर की बारी, तो डी स्क्वेयर क्या है टू, तो इसके जगह टू लिख दिया। अब भाई इसकी बारी, तो माइनस टू तो ऑलरेडी है, डी का मतलब क्या है, डी का मतलब है टू एक्स प्लस वन, तो आ गया टू एक्स प्लस वन, डी फोर जीरो, ठीक है, ये क्या है डी क्यू, ये भी जीरो, फोर डी स्क्वेयर, तो फोर को वैसे रखा, जो डी स्क्वेयर है, डी स्क्वेयर कितना है टू, तो ये टू आ गया। ऐसे करोगे तो दो मिनट में क्वेश्चन करो, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होगी, तो वन अपॉन डी ये कितना आ रहा है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस टू माइनस फोर एक्स माइनस टू प्लस एट, ठीक है, तो ये कितना आ रहा है वन अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स प्लस एक्स कितना होता है माइनस थ्री एक्स, एट माइनस टू सिक्स, सिक्स माइनस टू फोर, तो ऐसे आ रहा है। अब वन अपॉन डी का मतलब होता है इंटीग्रेशन, क्योंकि डी का मतलब है डिफरेंशिएशन और वन अपॉन डी का मतलब है इंटीग्रेशन, तो जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या आती है एक्स क्यूब बाय थ्री, थ्री बाहर आ जाएगा, एक्स की इंटीग्रेशन क्या आती है एक्स स्क्वायर बाय टू, और फोर कॉन्स्टेंट है पीछे डी एक्स है उसकी इंटीग्रेशन क्या आती है एक्स। तो स्टूडेंट्स आपका जो पी आई है इस क्वेश्चन में वो आपका ये है, ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे। एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस थ्री बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, बिल्कुल यही भी है यार। तो ये क्वेश्चंस है जो आपको आने चाहिए और ये काफी इंपॉर्टेंट है बाइनोमियल फॉर्म, ठीक है। अब फर्दर यही जो क्वेश्चंस हैं जो अभी मैं आपको करवा रहा हूं, ये क्वेश्चंस आपको ऐसे भी आ सकते हैं, मैं आपको बताता हूं, देखना ध्यान से, एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, टाइप कोई भी करो, ऐसे करो कि आपके ऊपर उसके उस टाइप के बेस्ड के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हैं अगर वो आपके एग्जाम में आते हैं तो आप सबको कर पाओ। तो डी स्क्वायर प्लस टू डी माइनस थ्री इंटू बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई,
तो कोई इनको अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है, हमने इकट्ठे ही सॉल्व कर देना है पीए। ठीक है, आप बुक में देखोगे तो शायद उन्होंने अलग भी लिए होंगे, देख लेना आप कैसे किए हैं, मगर जो मैं मेथड बता रहा हूँ वो भी आप कर सकते हो। तो डी स्केयर प्लस टू डी माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, डी स्केयर प्लस थ्री डी माइनस डी माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। सिंप्लीफाई करूंगा, डी कॉमन, डी प्लस थ्री माइनस वन कॉमन, डी प्लस थ्री, उसके बाद एक आपके पास आ रहा है डी माइनस वन और एक आपके पास आ रहा है डी प्लस थ्री। आपने जब सॉल्व किया तो डी आपके पास क्या आ रहा है, वन आ रहा है, और डी आपके पास क्या आ रहा है, माइनस थ्री आ रहा है। तो हम सी एफ निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारा जो सी एफ आएगा वो आपके पास आएगा सी वन ई की पावर एक्स, सी टू ई की पावर माइनस थ्री एक्स। ठीक है, अब आपको पी आई निकालना है, तो पी आई कैसे निकाल लेंगे, ये आपके पास आ गया पी आई, इधर आपने फंक्शन लिख देना है डी स्केयर प्लस टू डी माइनस थ्री, ये आपने फंक्शन लिख दिया। उसके बाद इधर वो वाला फंक्शन लिख देना जो आपको दिया पॉलीनोमियल एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस वन। अब देखो, अब इसको वन बनाना है, तो थ्री निकालूंगा तो माइनस वन बनेगा, मेरे को वन बनाना है, तो आप माइनस थ्री बाहर निकाल दो। जैसे आपने माइनस थ्री बाहर निकाला तो इधर क्या होगा, ये थ्री वाला तो बन जाएगा वन, इन सबके पास तो प्लस है तो इनको माइनस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, इधर लिख देंगे डी स्केयर प्लस टू डी अपॉन थ्री, ये वन और ये ब्रैकेट क्लोज, इधर आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस वन। अब और सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस वन बाय थ्री, ये जो डिनोमिनेटर है ये ऊपर चला गया, वन माइनस डी स्केयर प्लस टू डी अपॉन थ्री होल की पावर आएगी माइनस वन, इधर क्या आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस वन। अब दोनों माइनस है, तो जब आपके पास दोनों माइनस है तो क्या करना है, एक प्लस करना है और बाकी भी प्लस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर बचेगा डी स्केयर प्लस टू डी बाय थ्री, फिर प्लस डी स्केयर प्लस टू डी बाय थ्री का होल स्केयर। अब इसकी डिफ्रेंसिएशन भी स्टूडेंट्स दो ही बार मैक्सिमम हो सकती है, डिग्री टू है, तो जब आप इसके बाद तीन पावर करोगे तो वो डिग्री सबकी ज्यादा है, इसलिए सब आगे वाले क्या आने हैं, जीरो आने हैं, तो लिखने की जरूरत नहीं है। और बाद में होना है एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस वन। आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा, काफी क्वेश्चंस कर लिए, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस वन बाय थ्री, वन को वैसे इसको सेपरेट कर लो डी स्केयर बाय थ्री, इसको सेपरेट कर लो टू बाय थ्री डी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अभी जो 1 बाई थ्री का स्केयर है तो 1 बाई नाइन बन जाएगा, डी स्केयर का स्केयर डी फोर, लिखने की तो जरूरत नहीं है, चलो लिख लो। ठीक है, ए स्केयर बी स्केयर, बी स्केयर कितना है फोर डी स्केयर, और ट्वाइस ए बी, टू इंटू टू कितना आ रहा है फोर डी और डी स्केयर, तो आ रहा है फोर डी क्यूब। ठीक है, बाकी सब जीरो और इधर आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस वन। अब स्टूडेंट्स आपका टाइम बचे, उसके लिए आपको क्या करना है, मार्जिन बनाना है, जैसे मैंने आपको बताया ये फंक्शन लिख दिया एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस वन। अब इसकी एक बार डिफरेंशिएशन कितनी आ रही है टू एक्स प्लस वन, दो बार डिफरेंशिएशन कितनी आ रही है टू, और तीन बार पे बन रहा है जीरो, तो चार पे भी जीरो बन जाएगा, तीन पे भी जीरो बन जाएगा, इसको देखना ही है। ठीक है, अब ये कितना आ रहा है माइनस वन बाय थ्री, जब वो तीनों टर्म्स इस वन से मल्टीप्लाई होंगी तो कितना आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस वन, फिर वन बाय थ्री डी स्केयर के ऊपर ये पूरी लगेगी तो डी स्केयर की वैल्यू है टू, तो इधर टू लिख दिया प्लस टू बाय थ्री, डी की वैल्यू है टू एक्स प्लस वन, इधर मैंने टू एक्स प्लस वन लिख दिया प्लस वन बाय नाइन फोर वैसे ही, और डी स्केयर की वैल्यू कितनी है टू, इधर मैंने टू लिख दिया। तो ये आपका दो मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नहीं तो ऐसा बड़ा टाइम लगता है, अगर आपने कॉलेजों में किए होंगे तो आपने देखा होगा काफी टाइम लग जाता है, तो वो मैंने कोशिश की है कि वो आपका टाइम मैनेज हो जाए। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है आपके पास टू बाय थ्री, ये कितना आ रहा है फोर बाय थ्री एक्स प्लस टू बाय थ्री, ये कितना आ रहा है एट बाय नाइन, कितना आ रहा है एट बाय नाइन। तो स्टूडेंट्स अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, एलसीएम ले लो, जब आप एलसीएम लोगे तो सबका एलसीएम नाइन आने वाला है। ठीक है, इधर कितना आ जाएगा नाइन एक्स स्क्वायर
इधर कितना आ जाएगा 9x, इधर कितना आ जाएगा 9, इधर 3 से मल्टीप्लाई 6, 3 से मल्टीप्लाई 12x, 3 से मल्टीप्लाई 6 और इधर आ जाएगा 8। ये जो 9 है ये बाहर आ गया तो माइनस 1/27, अंदर कितना आ जाएगा 9x किया 9x प्लस 12x कितना होगा 21x, ठीक है 6 और 6 12 और 8 20 और 9 29 ऐसे, ठीक है। तो ये आपका वाई पी आर है, ये हमारा इस क्वेश्चन क्या आ रहा है वाई पी। एक बार मैं चेक कर लूंगा एक्स स्क्वायर, ठीक है बार इन्होंने 3 लगाया है तो 29/9 9 अंदर आ गया 9 7, हाँ इन्होंने कुछ नहीं किया, मैंने ये 9 बाहर निकाल दिया, इन्होंने 9 अंदर ही रखा है, ठीक है मतलब बाहर नहीं निकाला है, तो बाकी तो सेम आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बड़े बड़े देखने को मिल सकते हैं, मैं काफी इजी है, ठीक है तो ये आप कर सकते हो क्वेश्चन। अब उसके बाद इसी टाइप में कुछ और क्वेश्चन है जिनमें क्यू की प्लेस में एक्स भी आ जाएगा, ई की पावर एक्स भी आ जाएगा, साइन एक्स भी आ जाएगा, इकट्ठे हो जाएंगे, तो वो मैं आपको अभी नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो इस लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना ही करेंगे, आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ आई होगी। तो तकरीबन सब क्वेश्चन आपको करवा दूंगा जो आपके एग्जाम में आए हैं जो या जो एग्जाम में आ सकते हैं, तो आई होप आप ये लेक्चर अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे मार्क्स लोगे। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं कल।